अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही ट्रेंडिंग, स्टाइलिश एंड गॉर्जियस स्लीव्स डिज़ाइंस लेके आई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ट्रेंडिंग स्टाइल्स हैं। आपने मोस्टली लोगों को देखा होगा कि उन्होंने इसी तरह की स्लीव्स वेयर की हुई होती हैं, लेकिन हम जब एक तरफ जब नज़र मारते हैं या देखते हैं ऐसे ही, तो हमें समझ नहीं आता उनका डिज़ाइन किस तरह का होता है। सो मैं अपनी वीडियो में आप लोगों के लिए डिज़ाइंस लेके आई हूँ, सो दैट आप देखें, उस पर गौर करें कि इसका किस तरह का कट है, किस तरह का स्टाइल है, और ये स्टाइल्स आप ज़रूर अडॉप्ट करें, अपने ड्रेसेस पे बनवाएं। आई होप सो कि ये बहुत खूबसूरत लगेंगे और आप लोगों को पसंद भी आएंगे। सो एज़ यू नो, सर्दियाँ आ रही हैं, तो अब तो हर कोई फुल स्लीव्स पहनना प्रेफर करते हैं। गर्मियों में तो थर्ड क्वार्टर या क्वार्टर स्लीव्स पहन लेते हैं। सो एज यू कैन सी, ये डिज़ाइंस जो हैं ये सारे फुल स्लीव डिज़ाइन हैं, और इन्होंने इस पर डोरी लगाई हुई है जो काफ़ी डिफरेंट लग रही है। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को एडवाइस करना चाहूँगी कि मोस्टली लड़कियाँ जो होती हैं कुर्तों के साथ खुली स्लीव्स बनवा लेती हैं। सो ऐसा आप बिल्कुल भी मत करें। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये डिज़ाइन है, इसमें शर्ट जो है ऊपर से फिटिंग में है, नीचे से फ्रॉक है, तो इन्होंने बाजू यहाँ पे अपने खुले सिलवाएँ तो वो खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आप खुली शर्ट के साथ खुले बाजू सिलवाएंगे तो उसमें आपकी बॉडी की, आपकी स्लीव्स की, आपके ड्रेस की कोई शेप नहीं आएगी। सो आप लोग अपनी शर्ट जो है वो नॉर्मल सिलवाएं या फिटिंग में सिलवाएं, उसके साथ अपने बाजू जो है वो आप उसका घेरा रखें ज़्यादा, आप उसको खुले बाजू सिलवाएं। और अगर आप लोग अपनी शर्ट खुली रख रही हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कुर्ता रख रहे हैं, तो आप अपने बाजू फिटिंग में सिलवाएं या नॉर्मल सिलवाएं, इतने खुले ना करें। सो आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं, इसमें बाजू पर प्लेट्स हैं और ऊपर शोल्डर कट डला हुआ है, वो बनी हुई गले पे। सो ये प्रॉपर थीम है, प्रॉपर लुक उन्होंने अपनी अडॉप्ट की भी है। सो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप लोग बाजू इस तरह के बनवा लें, गला किसी और तरह का कर लें। वो आप लोगों की चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा पसंद है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करें, सो दैट मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, और मेरी वीडियो शेयर करना ना भूलेगा। सो एज यू कैन सी कि इन्होंने इस पे शर्ट पे कट लगाया हुआ है और उसको पर्ल्स के साथ जोड़ा हुआ है, जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस डिज़ाइन में आप देख सकते हैं दरमियान में इन्होंने पैच लगाया हुआ अपनी एल्बो से ऊपर तक, और नीचे प्लेट्स के साथ नीचे खुले बाजू बनवाए हुए हैं। ये भी एक डिफरेंट स्टाइल है। इन्होंने ये प्रॉपर टिश्यू स्टफ में ये बाजू बनवाए हुए हैं। ये कपड़ा ही ऐसा है कि उस पर ऊपर पर्ल्स लगे हुए हैं और नीचे इन्होंने चुनचे डाल के प्लेट्स डाल के लेस में या तो ट्राउजर का कपड़ा लगाया हुआ है या प्रॉपर लेस लगी हुई है। ये भी डबल लेयर्ड है और ये कट में है पूरा बाजू। आप चाहें तो पर्ल्स लगा के पूरा स्लीव बंद कर सकते हैं, चाहें तो इस तरह खोल सकते हैं। ये भी थ्री कट्स वाले डिज़ाइन हैं, आप पर्ल्स लगा के इसको जोड़ सकते हैं, जिससे बहुत खूबसूरत लुक आ रही है। आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई भी कर सकते हैं। सिंपल बहुत एलिगेंट लुक है कि दरमियान में इन्होंने जैसे इसको पाइपिंग से ज्वाइन किया हुआ है, और देखिए एक डिसेंट लुक है। ये भी उसी तरह स्टाइल है। आप अगर आप लोग कट छोटा चाहते हैं तो आप छोटा कट लगा सकते हैं, फुल लगाना चाहें तो फुल लगा सकते हैं। पर्ल्स का साइज भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, छोटे साइज़ का पर्ल लगाना है तो वो लगा लें, बड़े साइज़ में लगाना है तो वो लगा लें, रिबन्स लगा सकते हैं उसके अलावा भी। इस तरह आप अगर स्लीव्स की जो डिज़ाइनिंग होती है वो कम्प्लीटली आपकी ड्रेस पर डिपेंड करती है कि आप अपना ड्रेस किस तरह का बनवा रहे हैं, उसका स्टफ़ क्या है, उसकी डिज़ाइनिंग क्या है। आप लोगों को मेरे डिज़ाइंस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें और मुझे लाजमी बताएं कि आपको ये डिज़ाइंस पसंद आ रहे हैं, और आपको फर्दर किस तरह के डिज़ाइंस चाहिए, किस तरह के आप वीडियोस चाहते हैं, किस चीज़ से रिलेटेड आपको आइडियाज़ चाहिए, सो दैट इन फ्यूचर मैं आप लोगों के लिए वैसे ही डिज़ाइंस बना सकूँ। या आप देख सकते हैं कि पिछले पिक्चर्स में उन्होंने पर्ल्स लगा के उसको ज्वाइन किया हुआ था दोनों बाजुओं को, वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन आप ये स्ट्रिप्स लगा कर, पाइपिंग लगा कर भी कर सकते हैं। इसी तरह इन्होंने यहाँ पर सिंपल डोरी लगाई हुई है, और ये भी इस तरह, ये बहुत ही एलिगेंट लुक है इसकी। आपकी ड्रेस पे डिपेंड करता है, आप देख सकते हैं इनकी ड्रेस का प्रिंट ऐसा है। इसी तरह इन्होंने यहाँ नीचे से वी शेप में ला के इनका गले का डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत है, और इसी तरह इनका भी है कि उन्होंने ऊपर से टिश्यू लगाया हुआ है, टिश्यू कपड़ा जो होता है, और इसी तरह नीचे कट है इनके बाजू पे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।